ओलंपिक से खाली हाथ लौटे रेसलर योगेश्वर दत्त ने मेडल नहीं जीत पाने पर अफसोस जताते हुए माफी मांगी। फेसबुक लाइव चैट पर उन्होंने फैंस से कहा कि जिन लोगों को मेरी हार से दुख पहुंचा है उनसे माफी मांगता हूं। साथ ही उन्होंने सलमान खान के फैंस पर जमकर गुस्सा निकाला। फैंस से रूबरू होते हुए योगेश्वर ने कहा, जिन्हें मेरी हार से दुख पहुंचा उनसे मैं माफी मांगता हूं, लेकिन आप निराश न हो, उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। योगेश्वर ने माना कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। साथ ही उन्होंने उन लोगों पर निशाना साधा जो सलमान के फैन हैं और उन्हें सोशल मीडिया पर ताने मार रहे थे। योगेश्वर ने कहा, मेरे पास कई ऐसे लोगों के मैसेज भी आए हैं जो किसी सुपरस्टार के फैन हैं और मुझे भला बुरा कह रहे हैं। मैं कहूंगा कि कुत्तों को भौंकने का पूरा हक है और वो भौंकते रहें। गौरतलब है कि बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को रियो ओलंपिक का गुडविल एम्बेसडर बनाए जाने का सबसे पहले विरोध योगेश्वर ने ही किया था। योगेश्वर ने ट्वीट करके कहा था, एम्बेसडर का क्या काम होता है, क्या कोई मुझे बता सकता है, क्यों पागल बना रहे हो देश की जनता को। इसके अलावा योगेश्वर ने लिखा था, इस देश में कहीं भी जाकर अपनी मूवी का प्रमोशन करे अधिकार है, लेकिन ओलंपिक मूवी के प्रमोशन की जगह नहीं। साथ ही योगेश्वर ने आगे कहा कि पीटी उषा, मिल्खा सिंह जैसे बड़े स्पोर्ट्स स्टार हैं जिन्होंने कठिन समय में देश के लिए मेहनत की, खेल के क्षेत्र में इस एम्बेसडर ने क्या किया। वहीं पहले राउंड में हारकर ओलंपिक से बाहर होने वाले योगेश्वर दत्त हार के बाद से ही सोशल मीडिया पर सलमान के फैंस के निशाने पर आ गए थे। आपको बता दें कि 21 अगस्त को योगेश्वर पहले ही राउंड में मंगोलिया के पहलवान से 0-3 से हार गए थे। जब योगेश्वर को अपने पहले ही मैच में हार झेलनी पड़ी तो सलमान खान के फैंस उन पर टूट पड़े। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि अब वे सलमान पर बोलने से बचें,